लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। रुकना जरा एक मिनट। सर, गुप्ता जी कहाँ हैं? यही गुप्ता जी हैं। ये गुप्ता सर, 24 घंटे का टाइम दिया था, 8 घंटे में डेका और गुप्ता जी गए, बाकी 16 घंटे में मैं और एक्सक्यूज मी राज साहब, आप हैं एसीपी जो डिसूजा। प्रधान साहब ने यह केस इन्हीं के सुपुर्द किया है। एसीपी मिस्टर डिसूजा हो क्या रहा है इस शहर में? चार खूनी जेल तोड़कर भागते हैं और लाशें बिछाकर चले जाते हैं। आखिर आपकी पुलिस क्या कर रही है? देखिए, पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है। फिलहाल हमें आपकी सिक्योरिटी को अहमियत देनी है और मुझे उम्मीद है कि आप इस मामले में हमारी पूरी मदद करेंगे। मदद करेंगे? Speaking. D'Souza, yes. हाँ, बोलो D'Souza. सर, प्रमोद शरण गुप्ता की हत्या कर दी गई। क्या? कब? लगभग 6:30 बजे। उनके साथ कुछ और लाशें भी मिली हैं, विदेशी हथियारों के साथ। उनकी शिनाख्त अभी तक नहीं हो पाई है। मेरा ख्याल है वही चार हैं। सर, इसके पीछे मुझे लगता है सर, इसका कोई दूसरा पहलू भी है। फिलहाल प्रमोद शरण गुप्ता, विदेशी हथियार, इन चारों की गिरफ्तारी और बलवंत राय की सिक्योरिटी को अहमियत दो। यस सर। सर, आप ऑफिस कब आ रहे हैं? D'Souza, मैं आज ऑफिस नहीं आ रहा हूँ, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। क्या हुआ सर, एनीथिंग सीरियस? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, तुम्हें आने की जरूरत नहीं है। हेलो, जस्ट अ मिनट। मुझे फोन पर इन्फॉर्म करते रहना बलवंत राय के प्रोग्राम्स के बारे में। यस सर। मैं फिर कहता हूं तुम लोगों से कि कानून से मत खेलो। कानून सोता है ये कानून बलवंत राय जैसे कमीनों के बिस्तर पर। बेच दिया इसे गुप्ता जैसे दलालों ने और तमाशा देखा है तुम जैसे कानून के रखवालों ने। कानून से मत खेलो। इसी शहर में मैं अपने भाई के लिए दर दर भटक रहा था, पीट रहा था कानून के दरवाजे को। तुझसे भी तो मिला था, याद है? याद है वो बरसात की रात जब मैं सड़क पर लहू लुहान होकर अपने भाई की जिंदगी के लिए गिड़गिड़ा रहा था, याद है? और एक दिन उसी कमीने बलवंत राय ने मेरे भाई को लाश बनाकर सड़क पर फेंक दिया और तुम्हारे कानून ने मुझे कातिल साबित करके सजा दे दी। अरे लोकल पांच। D'Souza साहब, आपसे एक बात पूछनी थी। वो अजय मेहरा का निशाना बहुत पक्का है क्या? नहीं, कुछ खास नहीं। क्यों नहीं खास? नहीं मतलब गोली दाएं बाएं भी लग सकती है। अच्छा, आप बलवंत राय जी के या तो दाएं रहते हैं या बाएं, इसलिए जी। टेक केयर, गॉड ब्लेस यू। जी, गॉड ब्लेस मी। दाएं बाएं जठाएं नहीं, रामो खिड़की बंद रखा करो।
अजय, तू मुझे वहां बुला लेते, मैं कमिश्नर के घर आ जाती। जगह जगह पर तुम्हारे लिए पुलिस लगी है, तुम बाहर क्यों निकले? यहां आकर इतना खतरा क्यों मोल लिया तुमने? भैया भाभी से मिलने आया हूं वर्षा। वो है वर्षा, वो है, यहां की हर चीज में है वो। कितनी खुशियां थी इस घर में। मैं तुम्हारा दर्द समझती हूं अजय। यहां दर्द नहीं वर्षा, आग है। आग, वो कमीना बलवंत राय जो इस तबाही का जिम्मेदार है अब तक जिंदा है, मगर अब वो कल सुबह का सूरज नहीं देखेगा। मैं उसे मार दूंगा, आज ही मार दूंगा उसे। और अगर तुम्हें कुछ हो गया तो? तुमने कभी मेरे बारे में कुछ सोचा है? नहीं अजय, नहीं, मैं तुम्हें फिर से नहीं खोना चाहती। और फिर क्या मिलेगा तुम्हें इस लड़ाई से? क्या सब लौट आएगा? क्या ये घर फिर से बस जाएगा? वर्षा, बात सिर्फ मेरे अकेले की नहीं है, और ना ही सिर्फ इस घर की है। ना जाने कितने घरों को उजाड़ा होगा उसने, ना जाने कितनी मासूम जाने ली होंगी उसने। मैं मानता हूं कि यह घर फिर से नहीं बच सकता, मगर कई घर उजड़ने से बच जाएंगे। उस पर नजर रखो। एक्सक्यूज मी, समझते नहीं हो? मिस्टर डिसूजा ने आपको बाहर जाने के लिए मना किया है। अच्छा ठीक है, मैं बाद में। आखिर आप लोगों ने यह तमाशा क्या बना रखा है? यहां मत जाओ, वहां मत जाओ, तो क्या उस छोकरे के डर के मारे मैं घर में दुबक कर बैठा रहा हूं? वो खूनी अजय मेहरा ना जाने आजादी से कहां कहां घूम रहा होगा, और मुझे सिक्योरिटी के नाम पर अपने घर में कैद करके रखा हुआ है। बेवकूफी की भी हद होती है। देखिए मिस्टर राय, सुनिए, मेरे लिए यह मीटिंग बहुत जरूरी है। अगर आप मेरे लिए सिक्योरिटी का इंतजाम नहीं कर सकते तो मैं खुद अपना इंतजाम कर लूंगा। आपके दोस्त बैरिस्टर गुप्ता ने भी अपना इंतजाम किया था हिफाजत के लिए, विदेशी हथियारों के साथ। उसका अंजाम तो आप देख ही चुके हैं। आप कहना क्या चाहते हैं? अजय मेहरा का जेल से भागने का मकसद है आपको मारना, अपनी आजादी नहीं। इस वक्त भी वो आराम से घूम नहीं रहा होगा, बल्कि आप तक पहुंचने की जी तोड़ कोशिश कर रहा होगा, यह जानते हुए भी कि आप पर हमला करना उसके लिए खुदकुशी करने के बराबर है। मिस्टर राय, जिस आदमी के दिमाग से मौत का खौफ निकल जाए वो कुछ भी कर सकता है। फिर भी अगर आपका मीटिंग में जाना इतना जरूरी है कि आप अपनी जान जोखिम में डाल सकते हैं, तो आपको हमारी प्लान के मुताबिक चलना होगा। अशोक प्रधान स्पीकिंग। रहिए कमिश्नर साहब, अब कैसी तबीयत है आपकी? अब ठीक है, लेकिन यहां कुछ ठीक नहीं है साहब। मेरी सिक्योरिटी के लिए आपने जो पुलिस का बंदोबस्त रखा हुआ है, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मुझे एक जरूरी मीटिंग पर जाना है, और आपके ये डिसूजा साहब ये कह रहे हैं कि मुझे उनके साथ टैक्सी में जाना होगा, और मेरी गाड़ी में मेरी जगह कोई और जाएगा। कमाल है। देखिए साहब, मुझे सीरॉक जाना है, और ये मुझे खार डांडा से होकर गंदी झुग्गियों में से लेके जाना चाहते हैं। अब आप ही बताइए मुझे क्या करना चाहिए। मिस्टर राय, आपके और मौत के बीच में अगर कोई खड़ा है तो वो है मिस्टर डिसूजा। वो जैसा कहते हैं वही आपके लिए ठीक होगा। ठीक है साहब, हमारे आने तक इनका ख्याल रखना। Thank you.
डिसूजा साहब, ये आप ही का प्लान था। देख रहे हैं क्या हो रहा है, जाइए जरा बाहर, कुछ ट्रैफिक का देखिए। जाइए जाइए, जल्दी जाइए और जल्दी आइए प्लीज। अब आप क्या कर रहे हैं मोहले साहब, चुपचाप बैठिए। जी मैं शीशा चढ़ा रहा था, अभी 24 घंटे में काफी घंटे बाकी है सर। आपको क्या लगता है कि इस भरे बाजार में अजय आपके ऊपर हमला करेगा? जी मुझ पर नहीं सर। शट अप जी, बेवकूफ कहीं के। पीछे हटो, पीछे कवर करो। बेटा अजय तू मेरी बात मान, तू निकल जा यहां से, तू निकल जा, तू जा यहां से, जा, तू हाथ दे बेटा, हाथ दे, जा, तू जा यहां से बेटा, तू हाथ दे ना बेटा, हाथ दे, जा ना तूने बेटा। तूने छाती पर गोली क्यों चलाई, हम उसे जिंदा पकड़ सकते हैं सर, वो भी तो हमारा। सिक्योरिटी प्लान्स बुलशिट, होपलेस सिस्टम, दिन दहाड़े बीच बाजार में, ये शहर अब रहने लायक रहा ही नहीं। मेरे लंदन जाने का इंतजाम करो। मैं तुमसे कह रहा हूं मोहले, क्या कर रहे हो तुम? जी 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 मैं खिड़की बंद कर रहा था, कहीं गोली ना आ जाए। जी जी मैं पहले ही कह रहा था, तुम सबका वही हश्र होगा जो तुम्हारे साथी का हुआ है। तुम कानून से नहीं मौत से खेल रहे हो, तुम जिसे लड़ाई कहते हो वो खुदकुशी करना है। मैं किसी कमिश्नर की हैसियत से नहीं, एक बुजुर्ग की हैसियत से तुम्हें समझा रहा हूं, अभी भी वक्त है, अपने आप को सरेंडर कर दो। जितना बन सकेगा मैं तुम लोगों की मदद करूंगा। हमारे लिए हमदर्दी इस भेजे से निकाल दो, नहीं तो ये भेजा निकाल दूंगा।